हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। तो हमें इसको सॉल्व करके हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। 1 अपॉन में रूट 3 का हम स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू 2 को 1 अपॉन रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन रूट 3, 1 प्लस स्क्वायर खोल लेंगे तो हो जाता है 1 का स्क्वायर करें होगा तो 1 ही होगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट ओपन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। 2 अपॉन में रूट 3 नीचे प्लस कर लेंगे, 3 प्लस 1 अपॉन में 3, 2 अपॉन में रूट 3 अपॉन में 4 अपॉन में 3 इक्वल टू 2 अपॉन में रूट 3 मल्टीप्लाई, इसको रिवर्स कर लेते हैं, 3 अपॉन में 4 हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो 2 अंजा 2, 2 2 जा 4, ये कट गया, आंसर आया 3 अपॉन में 2 रूट 3। 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 3। अब नीचे जो वैल्यू है वो रूट में आ रही है तो उसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। तो 2 रूट 3 को हम रैशनलाइज कर लेंगे डिनोमिनेटर से, 2 रूट 3 अपॉन में 2 रूट 3। जब रैशनलाइज करेंगे तो हमारा आंसर आता है 3 2 जा 6 रूट 3 अपॉन में 2 रूट 3 और 2 रूट 3 दोनों सेम है तो जाता है 4 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 और रूट 3 को जब हम रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रूट ओपन आ जाता है। यहाँ पर 4 और 6 कैंसिल हो रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो हमारा आंसर आ जाता है रूट 3 अपॉन में 2। तो रूट 3 अपॉन में 2 हम अपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखेंगे, रूट 3 अपॉन में 2 वैल्यू किसकी होती है, रूट 3 अपॉन में 2 होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, साइन 60 डिग्री। तो ऑप्शन ए का करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। इसके भी चार ऑप्शन दिए हैं, टेन 90 डिग्री, 1 साइन 45 डिग्री एंड डी इक्वल टू 0। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 1 प्लस टेन 45 डिग्री 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 करते हैं तो 2 हो जाता है और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है, इसका आंसर हो जाता है 0। तो यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट है। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, इट इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, क्वेश्चन में हमें बोला है कि साइन 2a की वैल्यू 2 साइन a के इक्वल होगी जब a की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी जिसमें ये दोनों वैल्यूज जो है वो इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि a की वैल्यू हम डिफरेंट रख कर देख सकते हैं जो हमारे ऑप्शंस में दिए गए हैं। a 0 दिया है, b 30 डिग्री दिया है, c 45 डिग्री दिया है, d 60 डिग्री दिया है, और जहां पर भी हमारा ये आंसर इक्वल आ जाता है वही हमारा आंसर होगा। तो हम पहले ऑप्शन ए को पुट कर लेते हैं, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। यहां पर हम अपना a जो है a की वैल्यू हम 0 रख के चल रहे हैं तो साइन 2 हम 0 रख देते हैं, एंगल की वैल्यू 0 रख के 2 साइन 0, 2 0 है तो यहां पर हो जाएगा साइन
टू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो डिग्री आ जाता है, इक्वल टू टू साइन जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर टू मल्टीप्लाई जीरो डिग्री हो जाता है। यहां पर ये जीरो हो गया और यहां पर भी जीरो हो गया, एलएचएस और आरएचएस हमारे सेम आ गए, तो हमारा ये ऑप्शन ए ठीक है। हम आगे अपना आंसर जस्टिफाई करने के लिए आगे भी वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं, लेकिन हमें अपना फर्स्ट में ही आंसर सही मिल गया तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लास्ट पार्ट में आ जाएंगे, टू टेन थर्टी डिग्री अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर थर्टी डिग्री। तो टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू होती है वन अपॉन में रूट थ्री, अपॉन में वन माइनस वन अपॉन में रूट थ्री का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाता है टू रूट थ्री अपॉन में वन माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री आ जाता है। टू अपॉन में रूट थ्री, थ्री को यहां पर एलसीएम लेंगे तो यहां पर एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे तो यहां आ जाता है थ्री माइनस वन अपॉन में थ्री। सॉल्व कर लेते हैं, टू अपॉन में रूट थ्री, थ्री में से वन माइनस करेंगे तो टू अपॉन में थ्री, टू अपॉन में रूट थ्री, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो थ्री अपॉन में टू, टू से टू कैंसिल हो जाता है तो हमारा आ जाता है थ्री अपॉन में रूट थ्री। नीचे रूट की वैल्यू है इसलिए इसको हम रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू को ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है थ्री रूट थ्री, और डिनोमिनेटर में हो जाता है रूट थ्री को जब रूट थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रूट ओपन हो जाता है और हमारी वैल्यू आ जाती है थ्री, तो थ्री को थ्री से कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा रूट थ्री। अब हम रूट थ्री अपने ऑप्शन में देखेंगे किसकी वैल्यू होती है, तो वो टेन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू होती है, तो हमारा इसमें सी आंसर है, तो ये इक्वल हो जाता है टेन सिक्सटी डिग्री के। यहां पर हमारा क्वेश्चन टू कंप्लीट हो गया है।